जनपद श्रावस्ती में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह जनपद वासियों के लिए साबित हुए वरदान। ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवी पाटन मंडल में पहली बार देखने को मिले, जो कि जनपद में रोगी व्यक्ति की तो इलाज करते ही हैं। आपने चिकित्सा अधिकारियों से और स्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ रहने की प्रशिक्षण देते हैं। जब डीवी भारती समाचार की टीम द्वारा जानकारी उपलब्ध की गई, बहुत सारी अच्छाइयां देखने को मिली। जैसे कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जी ने बताया कि कोरोना काल में हर जुबान पर एक ही शब्द था, ऑक्सीजन, जो कि पैसा देकर खरीदनी पड़ती थी, जबकि वृक्ष लगाने पर ऑक्सीजन जैसी चीज हमें मुफ्त में उपलब्ध हो जाती है। वृक्ष को अपने बच्चों की तरह लालन पालन करना पड़ता है, तब जाकर वृक्ष बड़े होते हैं, तब जाकर वृक्ष बड़े होकर ऑक्सीजन देते हैं, तब हमारी सुरक्षा और हमारे समाज की सुरक्षा करते हैं। स्वस्थ रहने के भी कई उपाय बताए। बताया कि जिम जाने पर अक्सर दिल का दौरा पड़ता है, व्यायाम प्राणायाम करने पर हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा। और मैं तो वृक्ष लगाता ही हूँ। अपने जनपद के समस्त चिकित्सा अधिकारियों से अपील कर रहा हूँ कि इलाज के साथ साथ व्यायाम और पर्यावरण पर भी ध्यान दें। देखिए, अगर हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में ऐसे चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं कि जिन्होंने अभी बताया कि वृक्ष हमें क्या देता है और हमारा स्वास्थ्य, हमारा शरीर, अगर हम उसे अच्छी तरीके से देख रेख करें तो वो क्या हमारे नौकर की तरीके से कार्य करता है। अभी सर ने आपको चैनल के माध्यम से बताया है। हम चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे जिला अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी का आगमन हुआ है तो कहीं ना कहीं हमारा उत्तर प्रदेश एक दिन उत्तम प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगा। जय हिंद। मैं डॉक्टर अजय प्रताप सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद श्रावस्ती। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने स्वतः संज्ञान लिया और यहाँ के स्वास्थ्य महकमे में हो रहे विकास कार्यों को जानने की इच्छा जाहिर की। तो जैसा कि मेरा अपना मानना है कि स्वस्थ रहना सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है, आदमी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, आर्थिक रूप से जब स्वस्थ है तब हम उसे पूर्णतः स्वस्थ कहेंगे। जी सर। और कोविड काल में बहुत सी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिली, जिसमें ऑक्सीजन नाम का एक शब्द हर जुबान पे था कि ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत हो रही है, और जो आपने पर्यावरण के नाम लिया तो ऑक्सीजन सदियों से ये पर्यावरण और पेड़ पौधे हमें निःशुल्क देते रहे, जब हमें खरीदना पड़ा तो उसकी कीमत समझ में आई। इस साल जो हीट स्ट्रोक और हीट वेव का रहा वो कहीं ना कहीं पेड़ों के कटने से सीधे जुड़ा हुआ है, और हम अगर चाहते हैं कि हमारी मानवता और स्वस्थ मानव इस धरा पे रहें तो वृक्षों का लालन पालन अपने बच्चे से ज़्यादा करना होगा। जी, नहीं तो हम रहेंगे और न तो हमारे बच्चे रहेंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।